Hello, good evening everybody. This side Khushi from Dial Easy. Today in this video we will discuss about the fixed rate mortgage. तो fixed rate mortgage के अंदर क्या आता है, we will discuss that today. So when the lender assures the borrower, यानी कि जब lender, यानी कि मैं अगर आपको पैसा दे रही हूँ, मैं आपसे पैसा ले रही हूँ. सो वेन द लेंडर अश्योर्स अ बोरोअर, यानी कि मैं आपको अश्योर कर रही हूँ, बोरोअर आप हो, मैं आपको अश्योर कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिमेन द सेम थ्रू आउट द लोन पीरियड इज कॉल्ड द फिक्स रेट मॉर्गेज. यानी कि जब मान लीजिए मैंने आपसे लोन लिया है, ठीक है, मैं बोरोअर हूँ, आप लेंडर हो, जब से मैंने आपसे पैसा लिया तो आप मुझे इस चीज़ के लिए अश्योर कर दोगे कि पूरे पीरियड के अंदर आपका जो लोन अमाउंट है वो एकदम फिक्स रहेगा, उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होगी अमाउंट का. जैसे कि कई बार क्या होता है, देखिए जब हम लोन लेते हैं बैंक से तो वहाँ पे ये चीज़ होता है, फिक्स रेट मॉर्गेज नहीं हो पाता, फिक्स रेट नहीं हो पाता वहाँ पे जब हम पैसा ले रहे हैं बैंक से. वहाँ पे क्या है कि अगर अभी आपने इस इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है आपने लोन, मान लीजिए एजुकेशन लोन का एग्जांपल लेते हैं, हम एजुकेशन लोन हम उठा रहे हैं किसी कहीं से, तो इसमें टाइम पीरियड मिलता है हमें चुकाने का. तो जब हम उस टाइम पीरियड में उस लोन को चुकाते हैं तो हमें उस रेट के हिसाब से देना पड़ता जो उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया होता बाय द गवर्नमेंट. सो दिस इज कॉल्ड नॉट फिक्स्ड रेट बेसिकली. सो वट इज फिक्स रेट, जहाँ पे एक लेंडर अश्योर कर देता है कि यही फिक्स रेट रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. सो दिस इज कॉल्ड द फिक्स रेट मॉर्गेज. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक. थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो.